गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बेटा, एक कंपनी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि कंपनी को फॉर्मुलेट कैसे किया जाएगा। तो क्या कह रहा है बेटा, इसमें एक कोटेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इंटू अ गोइंग कंसर्न इज नोन एज प्रमोशन। बेटा, इसमें सबसे पहले एक प्रमोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमोशन क्या है बेटा? जो भी प्रोसेस हमने एक आइडिया को, मतलब एक आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं जिसे हम प्रमोशन का नाम देते हैं। एज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, सर्टेन लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन इज टू बी फॉलोड। बेटा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में रोल प्ले करती है, जिसके लिए उसे कई लीगल वाले प्रोसीजर की फॉर्मेलिटीज़ को भी टाइमली पूरा करना पड़ता है, क्योंकि एक लीगल लेवल की एंटिटी को, एक दायित्व को निभाने के लिए कुछ लीगल लेवल की सर्टेन प्रोसीजर यहाँ हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। अब बेटा, जो लीगल लेवल के प्रोसीजर या स्टेप फॉलो करने हैं, वो स्टेप कौन कौन से हैं जो लीगल लेवल की फॉर्मेलिटीज़ में रोल प्ले करते हैं? उसमें पहला पॉइंट है बेटा प्रमोशन का, जो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है प्रमोशन से रिलेटेड। दूसरी है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा, ये भी एक फॉर्मेलिटी है जो टाइमली हमें पूरी करनी है। उसके बाद कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, तो वो कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आएगा, ताकि बिजनेस की शुरुआत की जा सके। तो बेटा, सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली वाली स्टेज है वो प्रमोशन की है। प्रमोशन का मीनिंग क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ All those activities which are necessary for bringing the company into existence। बेटा, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कंपनी की शुरुआत करने के लिए जो नेसेसरी लेवल की हमने फॉर्मेलिटीज़ की एक्टिविटीज़ करनी है, उसके सम टोटल को प्रमोशन का नाम दिया जाता है। इसका मतलब कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो जरूरी हमें एक्टिविटीज़ करनी है, उन सब के सम टोटल को प्रमोशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा, प्रमोटर्स कौन होते हैं जो प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करते हैं? इट रेफर्स टू दैट पर्सन, ऐसे व्यक्ति और अ ग्रुप ऑफ पर्सन या कुछ व्यक्तियों का समूह, हु परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू ब्रिंग अ बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब वो एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, जो बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए अलग अलग तरीके के जो काम करता है, उन सारे जो कामों को करने वाला व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, जो बिजनेस के एग्जिस्टेंस के सारे काम करता है, उसे प्रमोटर का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा, प्रमोशन की स्टेजेस क्या क्या हैं, कि ये प्रमोशन का काम कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। बेटा, सबसे पहले एक नए आइडिया का विचार अपने दिमाग में लाया जाता है। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया।
एक नए आइडिया से बिजनेस के प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाता है कि आइडिया पहले वाले आइडिया से नया होना चाहिए. न्यू आइडिया कैन कम इनटू माइंड बाय ऑब्जर्विंग द डेफिशिएंसी ऑफ सम प्रोडक्ट इन द मार्केट. बेटा नया आइडिया कब आएगा, जब पुराने वाले आइडिया में कोई कमी पेशी है. इसका मतलब वो बढ़िया आइडिया नहीं है तो उसकी जगह एक नया आइडिया दिमाग में लाया जाता है. और अबाउट अ प्रोडक्ट विच हैज़ नॉट बीन लॉन्च येट, या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा, जिसमें कुछ कमी पेशी आ रही है, उसके जगह एक नए प्रोडक्ट को लाने के लिए एक नया आइडिया जो है दिमाग में लाया जाएगा. तो यहाँ एग्जांपल भी दे सकते हो, फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू आइडिया हेल्प टू बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल इन्वेंटर्स. बेटा एक नए आइडिया को लाने के लिए प्रोफेशनल लेवल के जो इन्वेंटर हैं उनकी भी हेल्प ली जा सकती है, ट्रेड लेवल के एसोसिएशंस की भी हेल्प ली जा सकती है, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक्स की भी हेल्प ली जा सकती है. बेटा यहाँ पर आइडिया लेने के लिए किसी की भी हेल्प ली जा सकती है, ताकि एक नए आइडिया से बिजनेस की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे स्टार्ट किया जा सके. सेकंड नंबर पे है बेटा डिटेल इन्वेस्टिगेशन. अब बेटा आपको जो भी काम करना है उसका डिटेल लेवल की स्टडी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, अनुसंधान का काम करना है. आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन. बेटा प्रिलिमिनरी लेवल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब बेटा डिटेल लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, ताकि एक्चुअल लेवल की जो भी पोजीशन हम प्राप्त करना चाहते हैं वो टाइम पे एक्चुअल लेवल की पोजीशन को प्राप्त किया जा सके. बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. आप इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, रीज़न ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बिकने के एरिया कौन कौन से हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल कहाँ से होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप डिटेल लेवल का यहाँ पर डिटेल लेवल की आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो. इसके लिए बेटा अ रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर थ्रू स्क्रूटनिटी अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स. बेटा इन सारे फैक्ट्स की डिटेल लेवल की जांच पड़ताल की जाएगी और एक रिपोर्ट बनाई जाएगी विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. बेटा जब डिटेल लेवल की एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जो है क्या क्या फैक्ट तुम्हें चाहिए, क्या चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है, तो एक प्रोजेक्ट लेवल की यहाँ रिपोर्ट तैयार की जाएगी. दिस रिपोर्ट हेल्प्स इन गेटिंग लाइसेंसेस. बेटा ये रिपोर्ट हमें उस के लाइसेंस को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है, एंड फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से फाइनेंस को दिलवाने में भी ये जो रिपोर्ट है जो प्रोजेक्ट की ये हमारी हेल्प करती है. तो यहाँ पर बेटा डिटेल लेवल का जो जो हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, जो डिटेल लेवल की स्टडी करनी है, वो यहाँ पर सेकंड लेवल की स्टेज में की जाती है. उसके बाद थर्ड स्टेज है बेटा असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स. बेटा अलग अलग फैक्टर्स जो हैं, जो हमारे पास साधन हैं, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उन सब को एक जगह असेंबल करना है. आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया. बेटा जब हम सारे पीछे अब तक के जो काम हमने करने हैं उनको करने के बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं,
तो बिजनेस को शुरू करने का जो आइडिया हमारे विचार में था उसके लिए अब हम काम करना शुरू कर देंगे, साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। द प्रोमोटर स्टार्ट असेंबलिंग द डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ पर जो उस बिजनेस के मालिक हैं, जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, वो अब अलग अलग फैक्टर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, असेंबल करना शुरू कर देंगे। और असेंबल कैसे किया जाएगा बेटा? फॉर दिस ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन, स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर डूइंग सो ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम। बेटा जिन जिन लोगों की ज़रूरत है उन लोगों के पास जाएंगे, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स की ज़रूरत है उन फैक्टर्स को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाएगा। मान लीजिए जो मशीनरी चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट है इसमें फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन का मतलब है कि पीछे तक की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, अब उस पैसे का जुगाड़ किया जाएगा, उस पैसे की प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस एनफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। बेटा किसी भी बिजनेस की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत से पैसे की ज़रूरत होती है। फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन। इसके लिए प्रॉपर फाइनेंस की प्लानिंग की जाती है। द मेन थिंग्स विच आर टू बी डिटरमाइंड इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि टोटल कितनी कैपिटल की हमें ज़रूरत है, वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, वो पैसा कौन कौन से सोर्स से आएगा, उन सोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है कि शेयर कैपिटल से आएगा पैसा, शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, डेप्ट कैपिटल वाला आएगा, उधार वाला आएगा या कैसा आएगा। टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी, जितना भी पैसा हमें चाहिए उस पैसे को कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, या और भी जो प्रॉपर फाइनेंस की हमें प्लानिंग करनी है तो यहाँ पर हमें उस प्रॉपर लेवल के फाइनेंस की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन दिस मैनर आफ्टर मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर कैपिटल द बिजनेस बिकम्स ऑपरेशनल। बेटा जैसे ही पैसे का जुगाड़ हो जाता है तो बिजनेस जो है ऑपरेशन में आना, बिजनेस की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। एंड हेयर द वर्क ऑफ प्रमोशन एंड। अब यहाँ पर प्रमोशन का काम ख़त्म हो जाता है। तो प्रमोशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की जो स्टेजेस थी बेटा, फोर स्टेजेस थी। पहला था डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, दूसरा था डिटेल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा था असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, और लास्ट था फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। तो ये बेटा हमारा जो टॉपिक था प्रमोशन की स्टेजेस का था।